दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। जिस प्रकार लगातार आयोग में जो भर्ती धांधली का आरोप लग रहे हैं उसके चलते आप ये देखिएगा, सचिवालय के बाहर में खड़ा हूं और सचिवालय के बाहर आप देख रहे होंगे तमाम भीड़ आपको नजर आएगी। ये कांग्रेस और जो बेरोजगार संघ है, एक मिला जुला कूच इसको मानेंगे, जो आज जो बेरोजगार जो आरोप लगा रहे हैं लगातार, जो वीडियो और बीपीडी जो भर्ती है उसको लेकर जो लगातार आरोप लग रहे हैं उसको लेकर आज हम लोग सचिवालय में पहुंचे हैं। क्या कुछ मांगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार हम लोग आवाज भी उठा रहे हैं और आप देख रहे होंगे जो बैनर पोस्टरों में लिखा हुआ है कि परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर जारी करो, वीडियो बीपीडीओ भर्ती का विवादों में हो रही भर्तियों की सीबीआई जांच करो। तो ये सब तमाम बेरोजगार लोग हैं जो आयोग जो धांधली वगैरह जो हो रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं आयोग से। और भुवन कापड़ी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, विधानसभा में आवाज भी उठाई थी भुवन कापड़ी जी ने जो वीडियो और बीपीडीओ का जो मुद्दा है। सर आज कूच किया है, विधानसभा में भी आवाज उठाई थी, तो क्या कुछ निष्कर्ष निकला वहां से? देखिए, हमने महामहिम राज्यपाल जी को डीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजा हुआ है, जिसमें हमने इन सभी भर्तियों की, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो भर्ती करा रहा है, उनके सीबीआई मांग की जांच की मांग करी है, नॉर्मलाइजेशन को खत्म करने की मांग करी है, उसे एग्जाम से खत्म किया जाए, हर एग्जाम को एक पाली में करा जाए इसकी मांग करी है, जो सिंचाई विभाग जो जेई की भर्ती है उसमें सिंचाई विभाग के 228 पदों को शामिल किया जाए, इसको किया है, जो है कि सारी वो मांगें जो उत्तराखंड के युवाओं की भर्ती प्रक्रिया में ईमानदारी से हों, उसके लिए हमने आज मांग पत्र सरकार को दिया, राज्यपाल को दिया है। आप देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, भ्रष्टाचार का अड्डा जिसे सरकार का पूरा संरक्षण है, सारे तथ्यों के साथ सबूतों के साथ बात रखने के बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आती। आज आप देखिए, पुलिस की भर्ती जो जिलेवार होती थी, हर जिले को सीटें बढ़ती थी और वहीं का युवा रोजगार लगता था, आज उसे प्रदेश में कर दिया, क्योंकि इन्होंने उसकी भी बोली लगा ली है। आज पहाड़ की जो ये बात करते हैं, पहाड़ के युवाओं से उनके रोजगार का अधिकार इस पुलिस की भर्ती की नियमावली को बदल कर किया है। हमने कहा है भाई कि 2015 से पुलिस की भर्ती नहीं हुई तो उसमें जो समय इतना ज्यादा लगा तो जो युवाओं की आईसीयू में उन्हें जो है छूट दी जाए। तो मेरा ये मानना है कि जिलेवार फिर से पुलिस की भर्ती को किया जाए, जिससे कि पहाड़ के युवाओं को भी रोजगार मिल सके, तराई के युवाओं को रोजगार मिल सके, जो रोजगार बढ़कर सबको मिलेगा, सब जो मेहनत कर रहे हैं उन तक उनका अधिकार मिल सके। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कराते हैं, उसे मेरिट बेस कर देते हैं। आयोग का तो कहना है सर, वो जांच वो करा रहे हैं, अभी एसटीएफ की भी रिपोर्ट उनके पास आई है, अभी उसके बाद उसको देखेंगे, तब उस पर जांच तो होगी। उनका कहना है, उनका भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो वीडियो और बीपीडीओ भर्ती में उनको लगता है कि जो ब्लैक शिप्स घुसी हुई है, वो भी इस बात को कह रहे हैं। आयोग के सचिव खुद कहते हैं कि हम पैसे लेते हैं, तुम्हें जो करना है कर लीजिए, वो वीडियो आपने देखा होगा, वायरल हुआ। जो संस्था व्यापम में मध्य प्रदेश में ब्लैकलिस्टेड है, लखनऊ में जिसपे मुकदमा लिखा गया है, उस संस्था से आप जो है यहाँ परीक्षा करवा रहे हैं, आप जो है एक आयोग के अध्यक्ष और सचिव हैं, एक बड़ा संस्थान है, 80,000 बच्चों की परीक्षा 18 पाली में कराते हैं, जहाँ लोक सेवा आयोग 2,58,000 बच्चों की भर्ती एक दिन में कराता है, क्यों? आप भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। 18 पालियों में कराकर आप कैसे मान लेंगे कि सब पेपर बराबर हैं? कैसे आकलन निकालेंगे? तो सरकार की मंशा सीधे सीधे भ्रष्टाचार की है, इसलिए 18 पालियों में हुआ। लेकिन सर, आप उपनेता प्रतिपक्ष हैं, आपने मुख्यमंत्री को हराया है और विधानसभा में भी मांग उठाई है और आज सचिवालय के गेट के बाहर बैठे हुए हैं, तो क्या कुछ इसको मान के चलें कि क्या विपक्ष की भी नहीं सुनी जा रही है, जो आज धरना प्रदर्शन सचिवालय कूच करना पड़ रहा है? देखिए, सरकार गले गले तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, सरकार अवैध खनन में तो लिप्त है, लेकिन जहां प्रदेश के युवाओं का सवाल होता है, जहां प्रदेश के भविष्य का सवाल होता है, तो सरकार को गंभीर होना चाहिए। जो सरकार ये कहती है कि हमारा उत्तराखंड युवा प्रदेश है, 22 साल का युवा प्रदेश है, विपक्ष की भी नहीं सुन रही है तो किसकी सुनेगी फिर सरकार? सरकार तो चाहती है कि विपक्ष ही ना हो, हिटलर शाही हो जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाए, राजशाही हो जाए। ये सरकार बनाकर जनता के लिए काम करने की जगह दूसरे प्रदेशों में सरकार बनाने में लग जाती है। आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हों, वो देश को और प्रदेश को आगे ले जाने की जगह भारतीय जनता की सरकार बनाने में मस्त हो जाते हैं।
तो आज इसलिए युवाओं का भविष्य खतरे में, युवा प्रदेश, युवा मुख्यमंत्री, युवा सरकार और युवा सड़कों पर है। अब कैसे करेंगे सर, क्योंकि पिछले सत्र में भी हमने देखा था खूब धरना प्रदर्शन उत्तराखंड में हुए, आप फिर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, तो जो युवाओं की आवाज है वो कैसे निकलेगी? आप सचिवालय कुछ भी आज कर लिया है, आगे युवाओं की आवाज युवाओं के साथ मिलकर संघर्ष से निकलेगी। हम ये संघर्ष उत्तराखंड के गांव-गांव जाकर करेंगे, शहर शहर जाकर करेंगे, जिलों में जाकर करेंगे, विधानसभाओं में जाकर करेंगे, वहां के बेरोजगार युवाओं से मिलेंगे। जो बेरोजगार युवा इस बात को नहीं समझ पा रहे उन्हें समझाएंगे। बेरोजगार युवाओं के साथ, बेरोजगार संगठन के साथ मिलकर सड़क से सदन तक दोबारा संघर्ष करेंगे। सड़क से सदन तक दोबारा संघर्ष करेंगे, ये कहना है भुवन काफड़े जी का, जो उपनेता प्रतिपक्ष भी हैं, और अब जो बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर आज कूच में बैठे हुए हैं। उनसे भी पूछते हैं, क्योंकि तमाम आप निगरानी रखे हुए हैं बॉबी भाई, और आज वीडियो बीपीडीओ भर्ती को लेकर एक अपडेट भी था कि एसटीएफ की जो पहली रिपोर्ट थी वो भी आ गई, उसके बाद आज सचिवालय कूच करना पड़ गया। देखिए, सचिवालय कूच करने की भी मजबूरी है, क्योंकि इतने लंबा समय एसटीएफ की जांच को हो गया, वो कह रहे हैं प्रारंभिक जांच आ गई है, तो अगर प्रारंभिक जांच आ गई है तो आप उस जांच को पब्लिश करिए, आप सबके सामने उस जांच को लाए कि जांच में निकला क्या है, क्योंकि भ्रष्टाचार तो बहुत बड़े पैमाने पर इस भर्ती में हुआ है, क्योंकि उसके पास उस भ्रष्टाचार के जो तथ्य हैं वो हमारे पास हैं, और ऐसे ऐसे तथ्य हैं कि अगर मुख्यमंत्री एक बार सामने टेबल टॉकिंग करे ना, बैठ के अगर बोले कि क्या है, हम अगर मुख्यमंत्री जी को बताएंगे कि ये है और ये इसके सबूत हैं, तो जाके मुख्यमंत्री के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, और ये भ्रष्टाचार कोई पहली बार नहीं है, भ्रष्टाचार लगातार सभी भर्तियों में होता आ रहा है। और भुवन काफड़े जी ने विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से बेरोजगारों की आवाज को बुलंद किया था, उन मांगों को लेकर आज बेरोजगार संघ ने भी भुवन काफड़े जी के सचिवालय जो कूच था उसको समर्थन दिया है, और इसलिए भी समर्थन दिया है कि जितनी भी भर्तियों में गड़बड़ियां हो रही है उनकी एक बार सीबीआई जांच करवा लीजिए। अगर आप प्रदेश के अंदर पारदर्शी रूप से ये चयन प्रक्रिया को चाहते हैं, सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे सामने ही आपने कई सबूत जो आयोग के अध्यक्ष है उसको भी दिए थे, और मुख्यमंत्री से भी मिले थे आप लोग, तो उसका कोई बात का कोई हल नहीं निकला? नहीं, मुख्यमंत्री जी का तो आप ये देख लीजिए, चार महीने हो गया है, और अभी तक मुख्यमंत्री जी का कोई बयान ना आना अपने आप दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी भी भ्रष्टाचारियों को मौन समर्थन दिए हुए हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। और अगर मुख्यमंत्री नहीं सुनता तो हमारे पास और भी रास्ते हैं, माननीय न्यायालय से हम अपेक्षा करेंगे कि माननीय न्यायालय हमारे साथ न्याय करे, हाई कोर्ट है, नहीं माने तो सुप्रीम कोर्ट भी है, क्योंकि हमारे पास साक्ष्य हैं, हम उन साक्ष्यों के आधार पर लड़ेंगे। और भगवान से भी ये दुआ करते हैं कि अभी जो हमारे पास साक्ष्य है, अगर मुख्यमंत्री कोई हल उस पर नहीं निकालते हैं तो न्यायालय से एक ऐसा हल निकलना है जैसे त्रिवेंद्र रावत को बीच में इस्तीफा देना पड़ेगा, धामी जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, ये लिख के आप ले लो, 5 साल नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह के खिलाफ जब सीबीआई जांच के आदेश हुए ना, तभी जाके उन्होंने त्रिवेंद्र रावत को हटाया गया। और ये सीधा धमकी भी दे रहे हैं, ये जो मामला है और जो हमारे पास सबूत हैं, उस सबूतों के आधार पे मैं कहना चाहूंगा कि जब न्यायालय सीबीआई जांच के आदेश मुख्यमंत्री के देंगे, जो मौन समर्थन भ्रष्टाचारियों को दिए हुए हैं, उनको भी 5 साल पहले ही हटाना पड़ेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। सीधा इससे धमकी माने मुख्यमंत्री जी? बिल्कुल धमकी मान लीजिए, आप निवेदन मान लीजिए, जो भी आपको मानना है, निवेदन तो रिक्वेस्ट तो हम कर ही रहे हैं तब से, परंतु अब देखते हैं कि वही हम वही कहते हैं कि सरकार जल्दी संज्ञान ले और इस पे दोषियों पर कार्रवाई हो और कोई ठोस निर्णय निकाले। ठोस निर्णय, बिल्कुल, ये युवाओं की आवाज भी, और एक तो आप ये देखिएगा, तमाम जो मुद्दे हैं बेरोजगार संघ की तरफ से, और जो आगे भाई साहब थोड़ा सा एक सेकंड, युवाओं की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की मांग उठ रही है, परीक्षाओं में वार्षिक कैलेंडर जारी करने की मांग उठ रही है, आगामी परीक्षा में एक एक पाली में संपन्न करने की मांग उठ रही है, इसके साथ साथ विभाग में कनिष्ठ अभियंता के जो 228 पदों में संयुक्त कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2021 को जुड़वाने हेतु सचिवालय घेराव आज इन्होंने किया हुआ है, तो इनसे भी जानते हैं क्या कुछ मामला है ये कनिष्ठ सहायक, क्या है भाई सब मामला कनिष्ठ सहायक का? सर ये इसका सर नवंबर 2021 में इसका विज्ञापन निकला था लोकसभा आयोग से, लेकिन आयोग ने कुछ दिन पूर्व ही इसका त्रुटि देकर इसको हटा दिया था, तो उसके बाद हम अन्य मंत्री से मिले थे इसमें महाराज जी से, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको ऐड कर देंगे, लेकिन इसका मई में पेपर हो चुका है और 3 या 4 महीने से हम इधर उधर भटकी रहे, लेकिन अभी तक कोई इसमें कार्रवाई होने नहीं है।
माननीय मुख्यमंत्री जी को हम 3 या 4 बार उसमें कह रहे थे कि कई विधायकों से भी आपने हस्ताक्षर करा लिए। 40 विधायकों से हमने लेटर पैड लिखवा दिए हैं, मंत्रियों से भी लिखवा दिए हैं, लेकिन कोई मामला अभी तक कुछ मामला वहीं का वहीं बना हुआ है। जस्ट विधायकों से भी लिखवा लिए, उसके बाद भी कोई काम नहीं हो रहा? काम नहीं हो रहा सर। सीएम साहब से भी हम 3 या 4 बार चंपावत चुनाव में मिले या आपका 15 दिन पहले भी मिले, लेकिन वही हमें मिल रहा है कि हो जाएगा। आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है और उत्तराखंड का यही दुर्भाग्य है, आश्वासन बहुत मिलते हैं। आप ये देखिएगा कि यूं ही उत्तराखंड को धरना प्रदेश नहीं कहा जाता, इससे पिछली सरकार में भी आपने देखा होगा कि कितने धरने उत्तराखंड में थे। आप आए दिन आप सचिवालय घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव, विधानसभा घेराव आपको देखने को मिलता था। अब सोचा था कि नई सरकार आई है, नई सरकार में शायद देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सेम वही सिचुएशन है। जो बेरोजगार हैं वो आज दोबारा से सड़कों पर, आखिर इनको इंसाफ कैसे मिलेगा? और कुछ लोग साथ ज्ञापन देने के लिए आए हैं, उनसे भी हम लोग बातें करेंगे अभी थोड़ा। अच्छा, हमारे साथ आंदोलनकारी भी है बड़ोनी जी, और थोड़ा सा आपसे लोगों से भी बात कर लेते हैं लगातार। अच्छा, और इसमें विशेष तौर पर आप युवा हैं, बहुत बड़ी शक्ति के रूप में काम उठाएंगे। लोकायुक्त का है, इसमें अन्य 5 बिंदु भी है, लेकिन मुख्य है लोकायुक्त। पहले लोकायुक्त में अगर कांग्रेस चर्चा करते, मैं 22 साल का कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, चर्चा करी पदाधिकारी ना होती, आप इसमें विपक्ष के नेता होने के नाते हमें आपका पूर्ण विश्वास है और हम आपके साथ कार्यकर्ता हूँ और आपके साथ हम इसको जरूर करेंगे। ठीक है, थोड़ा आंदोलनकारियों से भी हम लोग बातें कर लेंगे। सुमन बड़ोनी जी और परमन बलोदी हमारे साथ है। आपको याद होगा कि लगातार हम लोगों ने जिस समय लोकायुक्त की मांग कर रहे थे, लोकायुक्त की मांग को आपको दिखाया था, किस प्रकार से बैठे रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो मांग पूरी नहीं हुई। 2017 में जिस समय घोषणा पत्र जारी हुआ था तो घोषणा पत्र में लिखा था कि 100 दिन के अंदर लोकायुक्त जारी करेंगे। अभी 2022 चल रहा है, आप खुद ही सोचिएगा कि क्या कुछ सरकार करना चाहती है और जमीन पर क्या कुछ उसका निष्कर्ष निकलता है। बलोदी जी, क्या कुछ है बड़ोनी जी? जी रावत जी, सर प्रथम तो प्रभजन का और रावत जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जहाँ जहाँ हम पहुँचते हैं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर या कोई आंदोलन की तैयारी करते हैं तो वहाँ आप पहुँच जाते हैं। इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, और ताकि आपकी ही वजह से हमारी आवाज़ शासन तक पहुँचती है। और दूसरा, आज हमारा तो मुख्य यहाँ पे है कि हम उत्तराखंड के सारे विधायक, चाहे कांग्रेस के या बीजेपी के, उनको ढूंढ रहे हैं, जो जहाँ मिल रहा है उसके लिए हम फिर ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई देखो, चाहे कांग्रेस भी उठा रही है मुखर होके आवाज, तो क्योंकि कांग्रेस ने साथ दिया आपकी आवाज का। अभी कांग्रेस जो है इस समय, कांग्रेस ये बार अभी समझ में हमारी ये नहीं आ रही कि इसी तरीके से जैसे आज आंदोलन किया, मुझे तो यह लग रहा है कि अगर जिस प्रकार से यहाँ पर आज कांग्रेस ने अपना एक धरना प्रदर्शन किया था, आज कांग्रेस के जितने विधायक थे, जितने उत्तराखंड के, चाहे 19 विधायक, 19 विधायकों को यहाँ पर होना चाहिए था, और उनका नहीं होने का कारण हम तो आए यहाँ पर के सारे मिलेंगे और हम ये बात रखेंगे कि देखो, हम तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं। ठीक है, 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, लेकिन जब आज दूसरा कार्यकाल भी भारतीय जनता पार्टी का आ गया है, लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है, तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द लोकायुक्त की नियुक्ति हो जाए, क्योंकि काफी समय से आप लोग लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर 15 अगस्त तक अगर सरकार इस लोकायुक्त की नियुक्ति में कोई निर्णय नहीं लेती है तो 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उस दिन से फिर से हम जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन और धरना में शुरू कर देंगे, जिसकी कोई अनहोनी घटना होने पर जो है सरकार स्वयं जिम्मेदार रहेगी। संदीप चमोली जी हमारे साथ में हैं, युवा नेता हैं कांग्रेस के। संदीप भाई, आज सचिवालय कूच किया, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि लगातार सचिवालय कूच हो रहे हैं। पिछली सरकारों में हमने सचिवालय कूच देखा था, मुख्यमंत्री आवास कूच देखा था, इसके अलावा विधानसभा में भी अब बेरोजगारों की मांग उठ गई है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आप युवा हैं, युवा कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, कैसे सुनेगी सरकार आखिरकार? राहुल जी, आप देखेंगे कि ये जो आज ये धरना था, ये धरना एक ऐसा धरना है जो इस प्रदेश के लिए सबसे प्रमुख मांग है। पर्वतीय राज्यों में बेरोजगारी में हमारा प्रदेश सबसे नंबर 1 पे, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उस प्रदेश का मुखिया स्वयं एक युवा मुख्यमंत्री होने का दम भरता है।
मांग सिर्फ इतनी है, मांग सिर्फ इतनी कि जो रोजगार अग्निश चयन आयोग के रास्ते से हमारे युवाओं को मिलता है वो पैसे की भेंट ना चढ़े, वो धांधली की भेंट ना चढ़े, वो भाई भतीजावाद की भेंट ना चढ़े। ये मांग है कि अधीनस्थ चयन आयोग के जो तत्कालीन सचिव हैं संतोष बडोनी, उनको तत्काल वो तो कह रहे हैं कि जांच के लिए हमने दे दिया, एसटीएफ की जांच के लिए हमने दिया हुआ है। पहले जितनी भी जांचें अधीनस्थ चयन आयोग की हुई हैं उसमें बताइए कितने लोगों को सजा हुई, कितने लोग आरोपी हुए हैं। अरे आज तक कोई भी जांच अधीनस्थ चयन आयोग की सार्वजनिक नहीं की गई, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये सरकार और आयोग मिलकर एक ऐसा धंधा चला रहे हैं जिससे जो युवा काबिल है उसको उसकी हक नहीं मिल पा रहा, जो लोग पैसे दे रहे हैं उनको नौकरी लगाने का काम कर रहे हैं। युवाओं को समझाने में कामयाब हो पा रहे हैं क्योंकि युवा चुनाव के समय पे नहीं समझते कि आज मामले में आज पहला कदम कांग्रेस द्वारा रखा गया है। हम कहते हैं आपकी विचारधारा जो भी हो, लेकिन अगर आपकी विचारधारा इस प्रदेश को रोजगार दिलाने की है, आइए आप हमारे साथ लड़िए इन बेमानों से। बीपीओ बीडीओ आप देखेंगे, फॉरेस्ट भर्ती घोटाला, और अब सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की भर्ती जो प्रत्येक जिले में होती थी, अगर प्रवर्तक मुद्दे कोई व्यक्ति था उस चमोली में भर्ती देता था, संसाधन नहीं है कि यहाँ तक आ सके, उस भर्ती को भी इन्होंने भेंट चढ़ाने का काम किया है। प्रोफेसर की भर्ती जो उत्तराखंड में, तो उसे ओपन कर दिया है। हम 65-70 में पीएचडी कर पाते हैं, बाहर 90-85 एक आम बात है पीएचडी में। तो एक युवाओं को छलने का काम धामी जी कर रहे हैं, इसकी शुरुआत इसका डंका आज बज चुका है, और आज के बाद प्रत्येक जिले में जा जाकर बेरोजगार युवा कांग्रेसी पूछेगा धामी जी, हमने आपको किस लिए चुना। युवाओं की बात तो आप उठा रहे हैं, लेकिन जो आपके गद्दावर नेता हैं वो यहाँ पर नजर नहीं, हरक सिंह रावत से लेकर आप जो गणेश गोदियाल जी हैं वो नजर नहीं आए यहाँ पर। आज ये जो धरना था ये बड़े शॉर्ट टाइम में धरना हमारे द्वारा आयोजित किया जाता, लगभग प्रदेश के सभी प्रमुख नेता इस धरने में मौजूद थे। जल्दी बड़ी कार्य योजना के साथ प्रदेश के सभी युवाओं को और युवा कांग्रेसियों को और वरिष्ठ कांग्रेसियों को जमा कर हम मुख्यमंत्री आवास गिराव का आह्वान करेंगे, जिसमें हमारे प्रदेश का हर नेता हर कार्यकर्ता मौजूद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये आपने देखा कि लगातार आज सचिवालय जो बेरोजगार जी हैं।